हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्रेयस कॉर्नर। फेंग शुई के बारे में सभी ने सुने होंगे, तो आज हम फेंग शुई के बारे में कुछ चीज़ें बताएंगे और उसका एक सिंबल के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेंगे। फेंग शुई को चाइनीस वास्तु कहते हैं, जिसको वो जो भी सामान, जो भी आइटम्स हम घर में लेकर रखने से हमारी लक, वेल्थ और पॉजिटिविटी बढ़ जाते हैं। वो सिर्फ एक या दो आइटम्स नहीं, खूब सारे आइटम्स होते हैं। एनिमल सिंबल्स रहते हैं, लाफिंग बुद्धास रहते हैं, क्रिस्टल टाइप्स होते हैं, ऐसे बहुत सारे चीज़ें रहते हैं उसमें। ये सब हमारे बैड लक को दूर करके लकी बनाने के लिए, वेल्थ आने के लिए और पीस ऑफ माइंड के लिए ही है, तो ये हमेशा अच्छे ही होता है। वैसे तो आपने देखा है कि मार्केट में बहुत सारे आइटम्स मिलते हैं, लेकिन कुछ भी उठाकर कहीं पे भी रखने से कोई तरक्की नहीं होएंगे। इसके लिए डायरेक्शन रहते हैं, प्लेसमेंट रहते हैं, ये सब देख कर रखने से हमको तरक्की हो। डायरेक्शन एंड प्लेसमेंट वेरी इंपॉर्टेंट है फेंग शुई में। तो चलिए आज फेंग शुई का थ्री लेग्ड टोड के बारे में बता देते हैं, या मनी टोड भी कहा जाता है उसको। ये मनी टोड को और अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि धन मेंढक, पैसे वाला मेंढक, भाग्यशाली पैसा मेंढक या तीन टांगों वाला मेंढक। ये मनी टोड के पीछे एक कहानी भी छुपे है। तो कहानी इस प्रकार है कि 8000 अमर देवों में से एक की पत्नी ने अमृता का अमृत चुरा ली और चांद पर भाग गई। जब उसने अमृत पिया तो वे एक कुरूप मेंढक में बदल गई। दयालु देवताओं ने उसे एक पूंछ या तीसरा पैर दिए और दो विकसित पैर रखने की अनुमति दे दी। यही है त्रिलग्ड टोड की, यानी तीन पैरों वाली मेंढक की कहानी। फेंग शुई में तीन टांगों वाला मेंढक बहुत भाग्यशाली माना जाता है। यह मेंढक अपने मुंह में सिक्के लिए हुए होता है। घर पर इसे रखने से वास्तु दोष दूर होने के साथ साथ घर में तरक्की होती है। इसे अपने घर के भीतर मुख्य दरवाजे के आसपास रखना चाहिए। मेंढक को किचन या बाथरूम में नहीं रखते। मेंढक को मेन डोर के लेफ्ट या राइट कॉर्नर, वो भी दरवाजे के पीछे जमीन पर रखना चाहिए। कोई बोलते हैं कि नीचे नहीं रखा जाता है, ऐसा कुछ है तो छोटा सा एक चौकी ले आइएगा और उसके ऊपर रेड कलर की कुछ कपड़े या कुछ पेपर, रेड कलर का वो रख के उसके ऊपर रख लीजिए। बेहतर ये है कि आप थोड़ा इसको छुपा कर रखिए, यानी दरवाजे के पीछे छुपा कर रख लीजिए, किसी की नज़र एकदम से नहीं पड़े। और उसकी फेस हमेशा घर के अंदर की तरफ होना चाहिए। घर में है तो आप ऐसे रख सकते हैं, अगर हम शॉप में हैं तो कैश काउंटर के ऊपर अंदर की तरफ फेसिंग करके इसको बिठाना चाहिए। अभी हम इसके मुंह में जो दबा के रखे एक कॉइन, उसके बारे में बता देते हैं। कोई कोई आइटम में ऐसे कॉइन चिपका के आते हैं और किसी में हम अलग से कॉइन लेके उसके मुंह में रखना पड़ता है। तो अभी ये देखिए, इसमें भी हमको लगाना पड़ता है। तो वो कॉइन कैसे रखते हैं वो बताते हैं। ये है वो कॉइन, एंटी कॉइन जैसे लगते हैं। इसमें चार फेंग शुई का अक्षर लिखा हुआ रहता है एक साइड में, और दूसरे साइड में एक ड्रैगन बना के रखा है, इसी तरह का ड्रैगन। तो हमको किस तरफ करके मुंह में रखना है वो अभी आप देख लीजिए। इसी तरह ये पोर्शन, यानी ये चार सिम, यानी ये फेंग शुई लेटर्स ऊपर आना चाहिए, ऐसे लगा के रख के बिठाना चाहिए इसको। ये जो कॉइन ऐसे ही मिलता है शॉप में, अवेलेबल ही रहता है, तो ये चार वो जो लेटर्स है वो वाला साइड हमेशा ऊपर की तरफ आना चाहिए और ऊपर की तरफ ही रखना चाहिए, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। एक कॉइन्स भी हमको अलग से ख़रीदने मिल जाते हैं शॉप में, छोटे से लेके बड़े बड़े कॉइन्स तक अवेलेबल रहते हैं। ये कॉइन्स का भी बहुत अच्छा महत्व है फेंग शुई में। तो ये कॉइन्स ऐसे लेकर घर पर रखना भी बहुत अच्छा शुभ माना जाता है। हमारी पर्स के अंदर भी डाल के हम रखने से भी हमारी तरक्की हो जाते हैं। वो थ्री कॉइन्स एक साथ रखना पड़ता है, वो मैं बाद में बता दूँगी। अभी हम इसको पास से देखते हैं। ऐसा है कि ये मेंढक एक स्ट्रिंग में कॉइन्स डालकर मुंह से डाल के रखे हैं।
दिख रहे हैं ना आपको। और इसका ये बहुत सारे कॉइन्स और इन गॉड्स के ऊपर पैर रख के बैठी हुई है, और इसका तीन पैर हैं, दो आगे की तरफ और एक पैर इसका पीछे की तरफ है। छोटे से लेकर बड़े बड़े साइज तक का मिल जाता है, जितना बड़ा लेकर रखेंगे उतना अच्छा होंगे, और अच्छे से संभाल के रख लीजिएगा। अगर बड़ा है तो भी दरवाजे के पीछे की तरफ एक छोटा सा चौकी डाल के रख लीजिए, या ज़मीन पर भी बिठा सकते हैं। किसको किसी को पसंद नहीं तो छोटा सा चौकी आते हैं ना बहुत कम हाइट वाला, उसके ऊपर बिठा कर आप दरवाजे के राइट या लेफ्ट पीछे रख सकते हैं। और मैंने पहले भी बोल चुकी है कि फेसिंग हमेशा घर के अंदर की तरफ होना चाहिए, बाकी आप रख कर एक बार देख लीजिए। अभी आपको ये त्रिलग्न मनी टोट के बारे में कोई भी और कुछ जानकारी चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स पर डाल लीजिएगा। ये एक फेंग शुई कंसल्टेंट से कंसल्ट करके मैंने ये पूरा वीडियो बनाई है। तो अगले वीडियो में दूसरा एक फेंग शुई आइटम के साथ फिर से आ जाऊंगी। और अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड विल सी सून इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।